उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह गुरुवार को मेरठ में जिलाधिकारी दफ्तर में पहुंची, जहां उन्होंने मवाना थाने के दरोगा को जमकर लताड़ लगाई। सुषमा सिंह ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश देते हुए दरोगा को चेतावनी भी दी। दरअसल मवाना थाना इलाके से एक महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह से शिकायत करने के लिए जिलाधिकारी दफ्तर पहुंची। पीड़ित महिला ने बताया कि 5 महीने पहले उसके ससुर ने महिला के साथ गलत नीयत से हमला किया, रेप करने की कोशिश की, जिसमें मवाना थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। बावजूद इसके 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई। चल रहा है गलत, जो मेरे पास चैट भी है मैंने सारी अभी यहाँ पे दी भी है। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से, इन लोगों ने मार मैम, ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं। अच्छा, होटल के अंदर। जी हाँ, पति और ससुर। क्या नाम है? अमर गुप्ता, और ससुर का नाम विनोद गुप्ता, होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से। मेरी 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी। होटल के अंदर? नहीं, घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी, मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैडम ने अब इनको तीरथपाल सर हैं उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने सब चीज़ें देखी है फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे, सब चीज़ इग्नोर कर रहे। पुलिस ने पैसा खा रखा है मवाने की पुलिस ने, वे लोग खुलतम में कहते हैं कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती होटल के। मैडम ने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी, जांच पड़ताल बैठाई जाएगी पूरी की पूरी। होटल को सील करने के लिए मैडम ने बोला है कि इस होटल को सील करना चाहिए। ये धारा इसमें लगी भी है और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी, ना कोई बयान ले रही ना कुछ भी है। महिला ने आरोप लगाया कि उनका ससुर और पति मवाना एक होटल में लड़कियां सप्लाई करते हैं और लड़कियों के रेट भी लगाते हैं। ये तमाम चैट पीड़ित महिला ने महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह को दिखाई, तो महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह गुस्से से आग बबूला हो गई और मवाना थाने के दरोगा को तलब करते हुए जमकर लताड़ लगाई, साथ ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।